डन। मेरी टीम तो तैयार है और आपकी? सेलेक्ट योर टीम ऑन प्ले स्पॉट एंड स्टार्ट प्लेइंग अपना गेम। डाउनलोड द ऐप नाउ। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार आज दरभंगा के लोगों का सपना पूरा होता दिखाई दे रहा है। दरभंगा के वायुसेना केंद्र में बनी नागरिक विमान सेवा आज से शुरू हो रही है। आज दरभंगा के लिए ऐतिहासिक दिन होगा जब यहां से पहली बार आम नागरिकों के लिए उड़ान शुरू हो रही है। दरभंगा से हर दिन 3 फ्लाइट उड़ान भरेंगी, जिसमें दरभंगा से दिल्ली, दरभंगा से मुंबई और दरभंगा से बेंगलुरु की सीधी उड़ानी होंगी। आज से स्पाइस जेट अपनी सेवा दरभंगा के लोगों को दे रही है। पहली फ्लाइट ने दरभंगा से दिल्ली के लिए तकरीबन 11:45 पर उड़ान भरी। पहली बार दरभंगा से हवा में उड़ने का आनंद लेने के लिए लोग काफी खुश नजर आए। निश्चित तौर पर जो मैंने ये सेवा उपलब्ध मिली है बहुत हद तक बहुत मैंने हर आदमी के दिल में थोड़े मिथिला जीवे और वो जो जीवे मिथिला वो ये प्रावधान भेटल है आवे के मौका भेटल है वैसे कि हेतु कि वो आदमी अपन मिथिला के बचा पेतें अपन कल्चर के बचा पेतें और ऐसे कमिंग जेनरेशन जो मिथिला से दूर भ रहा है वो क्यों जेतें तो बहुत बहुत बधाई छे एहिठामके एडमिनिस्ट्रेशन के एहिठामके नेता के एतेक पैघ सुविधा हमरा सबके देलथि। दरभंगा से उड़ान सेवा शुरू होते ही यहाँ रोजगार के कई अवसर भी लोगों को मिलेंगे। दरभंगा से दिल्ली तक की यात्रा के लिए उड़ान भरने वाले पहले यात्री हैं जितेंद्र मंडल। उन्होंने बताया कि वो काफी समय से उस पल का इंतजार कर रहे थे। आखिरकार आज वो पल आ गया। यहाँ से हवाई सेवा शुरू होने से इलाके का विकास होगा, साथ ही अब दूरी भी कम हो जाएगी। देखिए, हमारे लिए तो बहुत खुशी की बात हो रही है कि पहला यान जा रहा है उसमें पहला यात्री के रूप में पहला टिकट कटाया और खासकर अपने दरभंगा से उड़ना हमारे लिए काफ़ी गौरव की बात होगी। चूंकि अभी तक तो उड़ते थे तो बाहर दूसरे शहर से उड़ा करते थे, लेकिन अब अपने शहर से उड़ना हमारे लिए गर्व की बात होगी। अपने शहर से देखेंगे नीचे का नज़ारा कैसा है, ऊपर से जब देखना ये हमारे लिए एक बहुत ही मतलब सुखद क्षण होगा। ये मेरे लिए कितना इंतजार करना पड़ा इसके लिए, तो हमने बहुत काफ़ी दिनों से मतलब हार्दिक इच्छा थी कि हम दरभंगा से उड़े। इससे पहले भी काफ़ी बार प्लान बना लेकिन प्लान कैंसिल होते चला गया, लेकिन इस बार बहुत खुशी मिल रहा है कि इस बार प्लान ही धरातल उतर गया। कहाँ तक की यात्रा करेंगे? हम दरभंगा टू दिल्ली कर रहे हैं जी। तो कितना उत्साहित है पूरे दरभंगा? बहुत, हम भी उत्साहित है, हमारे फैमिली भी पूरा उत्साहित है। दरभंगा को किस तरह से फायदा मिलेगा इसमें? बहुत सारा फायदा मिलेगा। सबसे बड़ा यहाँ की कॉमर्शियल रूपरेखा यहाँ की बढ़ जाएगी। उसके बाद कहीं से जैसे इमरजेंसी में जाना, लोगों को अस्पताल किसी बड़े शहरों में जाना, यहाँ से आसान हो जाएगा करना। बिहार में पटना और गया में पहले से ही हवाई अड्डे हैं, लेकिन अब दरभंगा वो तीसरी जगह बन गई है जहाँ से बिहार के लोग हवाई यात्रा कर पाएंगे। दरभंगा से प्रहलाद कुमार की रिपोर्ट, बिहार तक। डन। मेरी टीम तो तैयार है और आपकी? सेलेक्ट योर टीम ऑन प्ले स्पॉट एंड स्टार्ट प्लेइंग अपना गेम। डाउनलोड द ऐप नाउ।